नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ जिब्रान जर्रार खान। नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है। पुलिस जहां आम आदमियों का चालान काट रही है, वहीं अपने महकमे के भी अधिकारियों को नहीं बख्श रही है। बीते दिनों मेरठ के डीएम का चालान हुआ था और अब ताजा मामला बस्ती का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान टीएसआई ने सीओ का ही चालान काट दिया, जिसके बाद टीएसआई की जमकर प्रशंसा हुई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 1 सितंबर 2019 को लागू हुए नए यातायात नियम, जिसके बाद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जरा भी रहम ना करते हुए बड़े बड़े चालान काटे। जहां पहले ही दिन गुरुग्राम में 23,000 रुपए का चालान काटा, जिसके बाद देश में अलग अलग जगहों से बड़े बड़े चालान काटे गए। इन चालानों में आम आदमी के अलावा पुलिस प्रशासन और दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद थे। अभी कुछ दिनों पहले जहां मेरठ पुलिस ने डीएम का चालान काटा था, वहीं अब बस्ती पुलिस ने सीओ का चालान काट दिया है। बस्ती में सोमवार को कचहरी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस खास तौर पर सरकारी वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई थी। उसी दौरान सीओ कलवारी अनिल सिंह सरकारी गाड़ी से ऑफिस जाने के लिए चौराहे से गुजरने लगे। वाहनों की चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने सीओ साहब की गाड़ी को रोका और जरूरी दस्तावेज चेक किए। सीओ अनिल सिंह के गाड़ी के कागज पूरे थे, लेकिन ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर अनिल सिंह बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे थे। जिसके बाद चेकिंग कर रहे टीएसआई ने सीओ का चालान काट दिया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों की सभी जगह से खूब प्रशंसा हो रही है। चेकिंग के दौरान कई सरकारी कर्मचारी और सिपाहियों का भी चालान काटा गया। ये सभी बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव कर रहे थे। टीएसआई कामेश्वर सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर एक सप्ताह के लिए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद आम पब्लिक के साथ ही पुलिस को भी ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है। सीओ के चालान काटने के बाद टीएसआई की काफी प्रशंसा हो रही है। जिब्रान खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।